नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि इंसान की खूबसूरती उसके अंग ही प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अंगों की वजह से ही आपको बोरियत सी महसूस होती है या फिर कुछ खामियों की वजह से आपको इंसल्ट सी महसूस होती है, जैसे कि आपके दांतों के बीच का रिक्त स्थान। अक्सर देखा जाता है यदि पुरुष हो या फिर महिला, अगर उनके सामने के दो दांतों में रिक्त स्थान यानी कि खाली गैप होता है और जिसकी वजह से वे हंसने में संकोच करते हैं। यदि वह महफिल में बैठे हैं और यदि उनके दोस्तों ने उनसे हंसी मजाक में कुछ कह दिया तो उसकी वजह से भी उन्हें थोड़ी शर्मिंदा महसूस होती है, क्योंकि उनके जो दांतों का गैप है वह दूसरों की तरफ देखने में थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन ये दांतों में गैप अच्छा भी होता है और बुरा भी। वैसे कहा जाए यदि सामने के दोनों दांत चमकदार हो और बीच में गैप हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति धन से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। और यदि किसी महिला के दांतों में गैप हो, यदि लंबाई भी दांतों की समान हो, तो भी वह बहुत ज्यादा लकी माने जाते हैं। खुश मिजाज होते हैं, साथ में बातें करते हैं और किसी को कभी कभी बोरियत भी महसूस करा देते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वह एक ही बात पर बहुत समय तक बोलते रहते हैं, जिससे कि दूसरा सुनने वाला थोड़ा बोरियत महसूस करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा हल्ले मिले होते हैं, यानी कि हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं, बातें शेयर करते हैं और अपनी भी बातें उनके साथ जाहिर करते हैं। यदि किसी के दांतों के बीच में रिक्त स्थान होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है। यदि उन्हें पैसों से संबंधित कोई परेशानी हो, वह उनके पास हमेशा धन उपलब्ध होता है, जिसकी वजह से वह अपनी सारी चीजों को पूरी उपलब्धता के साथ पूरी कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है ऐसे व्यक्ति ज्यादातर बिजनेस करते हैं और बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है, क्योंकि यदि यह व्यक्ति जिस काम को सोच रहे हैं या फिर करने की उत्सुकता में है, ऐसे व्यक्तियों का काम वह जल्दी हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, साथ के साथ बुद्धिमान भी होते हैं। यदि किसी स्त्री के दांतों के बीच में गैप है और गैप के साथ साथ उनके ऊपर के और नीचे के दांत 16 और 16 ही हैं, यानी कि 16 दूनी 32 आपके दांत हैं, तो ऐसे स्त्रियों को बहुत ज्यादा प्रेम मिलता है उनके पति से। और यदि ऐसी स्त्रियां बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली भी होती हैं, यदि उनके पति के बीच में धन की उपलब्धता की कमी आ रही हो या फिर आर्थिक सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। ज्यादातर ऐसी महिलाएं बहुत ज्यादा मेहनती होती हैं, स्वाभिमानी होती हैं और साथ के साथ अपने काम को करती हैं। किसी महिला के दांत के ऊपर दांत है तो ऐसी महिला राशि योग होता है, क्योंकि ऐसी महिलाओं को हमेशा राजपाट मिलता है, तो यह रिक्त स्थान अच्छा माना जाता है। तो आप भी अगर आपके दांतों के बीच में रिक्त स्थान है तो उस पर थोड़ा भी संकोची ना करें, क्योंकि आपका संकोच आप पर भारी पड़ सकता है। आपके रिक्त स्थान आपके लिए बहुत लकी माने जा सकते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।